great entrepreneur. We have with us Laxmi Agarwal, the acid attack survivor, and also somebody who has actually led a movement and on whom Deepika Padukone is being picturized in the movie Chupa. Welcome, Laxmi. Thank you. Laxmi, wonderful words you have stated on stage, that don't ever be a victim or treat somebody as a victim. You can, of course, emerge stronger. So what was that? Hindi mein kare to zyada better hoga. ऐसी क्या चीज़ थी जिससे आप लड़ पाई, आपको लगा कि हाँ मैं आगे आ सकती हूँ? सबसे बड़ी चीज़ ये था कि खुद से चैलेंज लेना और एक पॉजिटिव चैलेंज, क्योंकि सोसाइटी में मोस्टली लोग जो होते हैं वो बहुत नेगेटिव होते हैं और आपको हमेशा नेगेटिव करते हैं, लेकिन जो लोग पॉजिटिव करते हैं वो हमेशा हमें गलत लगते हैं, क्योंकि अगर सही मायनों में देखा जाए जो सही लोग हैं वो आपको कभी भी गड्ढे में नहीं गिरने देंगे, वो खुद गिर जाएंगे। तो वहाँ पर मेरे पेरेंट्स थे जिन्होंने मेरे को बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव किया, तो मुझे एक्चुअल में मुझे ऐसा लगा कि ये मेरी पूरी दुनिया है, क्यों मैं, जो मुझे छोड़ के चले गए मेरे दोस्त, मैं उनके लिए क्यों रोऊं? और क्योंकि जो पेरेंट्स जिन्होंने 2.5 महीने मेरे लिए सर्वाइव किया, तो मैं उनके साथ क्यों ना आगे बढ़ूं? तब उस टाइम पे यही चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए उनकी जो हिम्मत थी, जो उनके अंदर जो वो चीज़ देखने को मिली, उसकी वजह से आज मैं यहाँ पर। उस टाइम कौन लोग थे आपके माता पिता के अलावा जिन्होंने आपका साथ दिया, इकोनॉमिकली मदद की? मेरे पापा की बॉस थी श्रीना आंटी, और मेरी लॉयर थी अपर्णा भट्ट, जिन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे लिए मतलब कानूनी तौर पे लड़ाई लड़ी है, और आज भी वो मेरे साथ हमेशा खड़ी रहती हैं एक एज अ बड़ी सिस्टर की तरह। तो मैं एक तरीके से ये जो चार लोग थे यही मेरी पूरी दुनिया थी। ओके, आप अपने जो आपने संस्था बनाई है उसके थ्रू क्या मोटिव है, क्या कहना चाहेंगे? यही कि मैं इस टाइम पर अभी इक्वालिटी पर काम कर रही हूँ, क्योंकि हम हमेशा लड़ते हैं, रिस्पेक्ट के पीछे भागते हैं। अगर मैं आपसे भी पूछूं कि क्या आपको रिस्पेक्ट चाहिए, तो शायद आपका आंसर क्या होगा उसके लिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको रिस्पेक्ट चाहिए? पर मैं ये कहती हूँ कि मुझे रिस्पेक्ट नहीं चाहिए, मुझे मेरी सोसाइटी में इक्वालिटी चाहिए। रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली ही मिल जाएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इक्वालिटी पर काम करना, और वो हमें बचपन से ही ऐसा सिखाया जाता है, कहाँ से वो ईगो आ जाता है लड़कों के अंदर। तो कहीं ना कहीं वो परवरिश पर भी डिपेंड करता है कि हम अपने बच्चे को कैसे पाल पोस के बड़ा करें, हम लड़के को कैसे पाल रहे हैं, लड़की को कैसे पाल रहे हैं, उस पर डिपेंड भी करता है। क्योंकि जब वो लड़का बड़ा होता है और उसको कभी भी घर पे ना का वर्ड उसने कभी सुना नहीं होता है, लेकिन जब वो बड़ा होता है उसके बाद किसी लड़की को प्रपोज करता है और जब वो अचानक से ना बोलती, तो उसको ऐसा लगता है कि इसने मुझे ना कैसे बोला। उसका ईगो हर्ट होता है और वो सीधे एसिड अटैक कर देता है। वो जान से नहीं मारता, वो सीधे एसिड अटैक क्यों करता है? क्योंकि चार दीवारी में कह रहे हैं ये मेरी नहीं तो ये किसी की नहीं। तो वही चीज़ें हैं कि हम कैसे अपने परवरिश से ही अपने आगे जो हमारी जनरेशन है उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर आप देखें आज की यूथ को कि वो कितने अच्छे से इन्वॉल्व हो रही हैं सोशल वर्क में, और कितना ज़्यादा अगर आप देखिए कि बहुत पहले कहाँ होते थे, कॉलेजेस में, स्कूल्स में कोई वर्कशॉप्स नहीं होते थे, कोई ऐसे खास इवेंट्स नहीं होते थे, लेकिन आज आपको छोटे से छोटे गवर्नमेंट स्कूल में भी अगर आप जाके देखें तो वहाँ पे वर्कशॉप के लिए लोग जाते हैं। मैं खुद जाती हूँ वहाँ पे एजुकेट करने के लिए बच्चों को। तो यही चीज़ें हैं जो चेंज कर रही है। तो वहाँ पर जब भी मैं जाती हूँ तो मैं यही बात कहती हूँ पहले ही प्रिंसिपल से, जिन लोगों से मेरी बात हो रही होती है, कि सिर्फ वहाँ पर बच्चों को ही सुनाने से कुछ नहीं होगा, उनके पेरेंट्स को भी लेके आइए ताकि वो भी सुने, क्योंकि हमेशा पेरेंट्स बच्चों को रिएक्ट करते हैं, उनको कभी भी सलूशन पे नहीं जाते। अगर मैं अपने फादर को कहती कि पापा मुझे वो लड़का परेशान कर रहा है, तो मेरे फादर मुझे पलट के जवाब ये देते कि वो तुम ही दुनिया में सबसे सुंदर लड़की नहीं है, तुमसे भी सुंदर सुंदर लड़कियाँ पड़ी है, तो वो लड़का तुम्हें ही क्यों परेशान कर रहा है। आज मैं बहुत सारे केसेस लेती हूँ उसमें यही सुनने को मिलता है। तो यही चीज़ें रियलाइज़ होती हैं कि हाँ, ये सवाल आप जब मुझसे पूछ रहे हो तो उस लड़के से जाके पूछो, आप मुझसे रिएक्ट करो तो बेटर है कि सोल्यूशन पे जाओ। तो जब तक हमें एक हमारे, क्योंकि जब भी कोई प्रॉब्लम्स आती है तो वो प्रॉब्लम्स में जो घिरते हैं वो पेरेंट्स भी होते हैं। सबसे बड़ा जो सर्वाइव करते हैं वो पेरेंट्स करते हैं, क्योंकि अटैक सिर्फ एक पर्सन पे नहीं, उसके पूरे परिवार पे होता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पेरेंट्स को और बच्चों के माइंडसेट को बदलना, क्योंकि बच्चों को भी ऐसा माइंडसेट लाना चाहिए कि हम अपने पापा मम्मी के साथ एज अ फ्रेंड रिलेशन रखें, ताकि कल को कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो वो अवेयर हो उस चीज़ से और उसके लिए कोई एक्शन लिया जाए। थैंक यू सो मच।